सफेद सोने का गढ़ कहे जाने वाले खरगोन जिले की मंडी इन दिनों कपास की बंपर आवक देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि शनिवार से 4 दिन तक शासकीय अवकाश घोषित हुआ है। ऐसे में त्योहारों के शराब और खरगोन जिले में कपास से भरे तकरीबन 400 वाहन पहुंचे और सफेद सोने की नीलामी शुरू हुई। लिहाजा बंपर आवक के बावजूद किसानों को कपास का 4,5700 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिला, जिससे किसानों के चेहरों पर रंगत खिल गई। इस दौरान किसानों ने शासन सहित मंडी प्रशासन का आभार व्यक्त किया। वहीं व्यापारी मुन्नालाल जायसवाल ने बताया कि कपास की डिमांड अधिक होने से किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिल रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। और 600 वाहन है, कारण क्या है? कारण ये भाव जो बढ़े हुए हैं, 5725 तक भाव किसानों को मिल रहा है। छुट्टी भी है कल से, कल से 4 दिन की छुट्टी है, आवक बता रहे हैं। नहीं, 4 दिन की छुट्टी है और बिहार त्योहार है, किसान इसलिए माल भी अपना बेचने के लिए आए। क्या नाम है आपका? मन्नालाल जी जैसा। सर कपास बिका 49.90। संतुष्ट हैं आप? अच्छा, कपास बिक गया है। दशहरे के कारण छुट्टी आ रही थी इसलिए वाहन ज़्यादा हो गए, फिर भी हमको भाव अच्छा मिला और हम संतुष्ट है। क्या नाम है? शादी गली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।